मोहाली में खेले गए आईपीएल 2019 के 28वें मैच में आरसीबी ने किंग्स इलेवन पंजाब को 8 विकेट से हराकर सीजन की पहली जीत दर्ज की। किंग्स इलेवन पंजाब ने क्रिस गेल की 99 रनों की नाबाद पारी की मदद से 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए थे, जिसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आखिरी ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। वहीं एबी डिविलियर्स ने 38 गेंदों में 59 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। वहीं कप्तान विराट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और टीम सऊदी की जगह उमेश यादव को टीम में जगह दी। वहीं पंजाब को क्रिस गेल और केएल राहुल ने 66 रनों की तेज शुरुआत दिलाई। वहीं आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने 53 गेंदों में 67 रन बनाए। वहीं डिविलियर्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 85 रन जोड़े, लेकिन 16वें ओवर में 128 के स्कोर पर उनके आउट होने से टीम को बड़ा झटका लगा। कोहली के आउट होने के बाद आरसीबी को जीत के लिए 27 गेंदों में 47 रनों की जरूरत थी। एबी डिविलियर्स ने 18वें ओवर में 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और मार्क स्टोनिस के साथ साझेदारी करते हुए 46 रन बनाए। वहीं 4 गेंद शेष रहते ही टीम को सीजन की पहली जीत दिला दी। तो ऐसे में कहा जा सकता है आखिरकार आरसीबी ने अपना खाता खोल ही लिया। अब देखना होगा आने वाले मैचों में टीम क्या कमाल करेगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।